तुम्हारी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पता है आज स्कूल में ना सारी टीचर तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन हमको तो पता ही था कि सरोज तुम कुछ बोल का ही नहीं रही। बोलो ना कुछ। अरे सरोज और कुछ चाहिए? नहीं। कुमारी आ गई तुम? हाँ चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो और कपड़ा बदल लो और आ जाओ यहाँ पापा के साथ खाना खाने। कुमारी ये क्या है, डब्बा फुल क्यों है? हम तो डब्बा खाए थे। तो ये क्या है? लेकिन सरोज तो हमारा डब्बा पूरा चट कर गई थी। सरोज? हाँ सरोज के डब्बे में से हमने पराठे और अचार और सरोज ने हमारे डब्बे में से खाना खाया, लेकिन ये भरा कैसे रह गया? सरोज 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 कहाँ लगा रखा तुमने? हाँ ये सरोज सिर्फ तुमको दिखती है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिखती। पगला गई होगा? आराम से बोलो बच्चे। आराम से बोले, इस सरोज का भूत ना पीछा नहीं छोड़ता। पहले हमारे पीछे था, अब इसके पीछे पड़ चुका है। सर, एनएलसी स्कूल से एक बच्ची गायब हुई है। कौन बच्ची? एनएलसी? ये तो वही स्कूल है जहां सरोज पढ़ती थी। हाँ सर, और अभी जो बच्ची गायब हुई है उसका नाम कुमारी है। कुमारी? ये वही बच्ची है ना जिसके साथ सरोज खेल रही थी जब वो गायब हुई? राइट सर। पहले सरोज और अब ये कुमारी, 7 दिन के अंदर अंदर एक ही स्कूल और मोहल्ले की 2 बच्चियां गायब। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में मैं इंस्पेक्टर आदिल खान आप सबका स्वागत करता हूं। जब भी हमें बच्चों से जुड़े केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिलते हैं तो उन्हें जस्टिफाई करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बिहार के मखनीपुर थाने में एक के बाद एक 2 बच्चियों के मिसिंग केसेस हमारे सामने आए। इस केस की पहली विक्टिम थी सरोज, पर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी सरोज की तलाश नाकाम रही थी। और तभी एक दूसरी बच्ची कुमारी भी गायब हो गई। जुर्म 2 थे लेकिन 10 तक एक जैसे, जिसे 2 मासूम भांपी नहीं पाए। स्कूल के वस्तु में खाने का डब्बा, खाने के डब्बे में माँ के पराठे और पराठे के साथ अचार। माँ और मेरा खट्टा मीठा प्यार, माँ मेरे गालों की पप्पी, माँ तेरी याद में आई मुझको हिचकी। वाह बेटा सरोज, तुम तो सारा कविता माँ पर ही लिख दी, पापा को भी तो शामिल करो। चलो छोड़ देते हैं, पापा है तो सारा बाजार अपना है, खेल खिलौने सपने सब पापा रखते जेब में अपने। ओ पापा की बिटिया। अरे वाह बेटा, एक काम करो आप अपनी कविता में ना आप चाचा को भी जोड़ दो। अब पूरा रिश्तेदार को जोड़ोगे का? जा बहू छोड़ के आओ, देर हो रही होगी सरोज को स्कूल के लिए। पूरा टिफिन खाना ये नहीं के सबको बांट दिया, ठीक है? कुमारी अरे ध्यान से। आज तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? असल में ना माँ को टिफिन बनाने में टाइम लग गया। अच्छा अच्छा माँ, मैं और कुमारी ना एक साथ चले जाएंगे। हाँ माँ आप लोग घर जाओ, तेरा ना चलते, तेरा ना दोस्त का बहन। कितना पक्का दोस्ती है ना दोनों का। अरे दोस्त का दोनों बहने हैं, बिल्कुल फिल्म की तरह, 2 जिस्म एक जान। सिपाहियों ले जाए इसे थाने। अब सरोज हम हमारा था। मैं बार बार अपने
बच्ची यहीं खेल रही थी। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? सिर्फ 10 मिनट दूर। तो बे पूछो आसपास। हमारे सरोज तो साथ में ही खेल रहे थे, फिर सरोज घर चली गई थी। चलो चलते हैं। बाय बाय सरोज। कुमारी बेटा, जब आप और सरोज वहाँ खेल रही थी, तब आसपास कोई अंकल या आंटी थे जो आपको लगातार देख रहे हैं, और आपको कुछ अजीब लगा हो या गलत लगा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था साहब। हम लोगों ने हर जगह तलाश किया पर कहीं भी कुछ मिला नहीं। रात हो गई, हमें बहुत चिंता हो रही। देखिए आप फिक्र ना करिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी। सर घबरा, उस एरिया को अच्छे से सर्च किया लेकिन सरोज का कुछ भी पता नहीं चला। देखो घर से लेकर जहाँ पर बच्चियाँ खेलनी थी तकरीबन 10 मिनट का रास्ता, तो मतलब साफ है या तो बच्ची खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है या फिर उसे किसी ने गायब किया है। एक काम करो, इस घर से लेकर जहाँ पर बच्चियाँ खेलनी थी पूरे रास्ते में सबसे पता करो, शायद किसने कुछ देखा। साहब सरोज सिर्फ 10 साल की है, उसे कुछ भी हो गया तो। देखिए आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखिए, बच्ची मिल जाएगी आपकी, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करें, आप संभालिए ना। सर सरोज का कोई लीड नहीं मिल रहा है, ना पेट्रोलिंग टीम से कोई अपडेट और ना ही सरोज के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल। तो एंगल दुश्मनी का होगा, सरोज के पेरेंट्स से मिलते हैं। कल रात से सरोज का कुछ पता नहीं चला और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। अरे माँ का भी जिम्मेदारी होता है कि बच्चे का ख्याल रखना, लेकिन नहीं साला हमारी जिम्मेदारी है, घर के अंदर भी देखे और घर के बाहर भी। शांति से बात कर, तेरे से कम परेशान नहीं है बहू। सिर्फ उनको नहीं कह रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं और इस योगेश को भी। भैया हम साहब, हमारी बेटी का कुछ पता चला? सरोज जहां खेल रही थी वहां से कोई क्लू नहीं मिला। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर शक हो जो सरोज को गायब करवा सकता? भैया हमको तो पक्का लग रहा है कि ये जया और उसके बाप का सब किया धरा है। जया कहां? साहब हमारी पत्नी है वो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? साहब 8 महीने पहले मेरी जया के साथ में शादी हुई थी, लेकिन उसने कभी भी ससुराल को अपना घर समझा ही नहीं था। जरूर उसका शादी से पहले चक्कर था कोई, हमको तो लगता है कि वो हमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब उस दिन उसके पापा आए तो उल्टा हमको ही सुनाने लगे वो। देखिए जमात जी, आप बेकार का लांछन लगा रहे हैं हमारी बेटी पर। पहले सच क्या है आप अपनी बेटी से पूछिए, सारा दिन तो फोन पे लगी रहती है, जाने कितने आशिक पाल रखे हैं इसने। कमाद जी आप अपनी सीमा लांग रहे हैं। सीमा तो ये लांग चुकी थी और आप झूठ बोल करके इसको हमारे पल्ले बांध रहे थे। हमें आपकी बेटी के साथ रहना ही नहीं है। योगेश शांति से बात करो। बाबूजी इनको बोलिए यहाँ से निकल जाए फिर। अरे तो कौन यहाँ बैठकर खाना खाने आया है? आज के बाद हमारी बेटी भी इस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं खाएगी। सर हम तो चाहते नहीं थे कि बात आगे बढ़े, लेकिन साहब वो ब्रजमोहन बहुत ही गर्म बुद्धि का है, उसका गर्मी निकालिए साहब। हमको तो पक्का लग रहा है कि उसी ने गायब किया हमारी सरोज को। ब्रजमोहन गुप्ता जी। सर सर्च वारंट। सर किस बात की तलाशी सर? सब झूठा आरोप लगा रहा है पर। अरे हमें गायब करना होता ना तो उस नालायक योगेश को गायब करता। देखो अगर सरोज को कहीं और छुपा के रखा है तो अभी बता दो। सर हम सच कह रहे हैं, योगेश जबरदस्ती हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। साहब हमारा दामाद बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, जैसे उसका तलाक करवा रहे ना, गुजारा भत्ता ना देना पड़े इसलिए पैतरे चल रहा है। आपको सर्च करना है बेशक कीजिए, लेकिन बाद में आपको कहानी उल्टा ही मालूम पड़ेगा। सर कुछ नहीं मिला। सब
ठीक हो जाए। चाची आप रो मत, सरोज जल्दी वापस आ जाएगी। और पता है आज वो मेरे सपने में भी आई थी, वो एकदम अकेली बैठी हुई थी। उसके बाद ना हमारा नींद खुल गया, नहीं तो हम सरोज का हाथ पकड़कर आपके पास ले आते। चुप कर, सरोज के बिना ना ये कुमारी एकदम पगला गई है। इसका सपने के बारे में सुनकर ना हमको बड़ा फिकर हो रहा है सरोज का। सरोज का सुनकर बहुत बुरा लगा, जब से ये खबर सुना है हम तो। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे पापा ने सरोज का? दीदी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम जानती हैं ना योगेश कैसा है। हमको सब मालूम है कौन क्या है। देख रहे बे? अरे योगेश भाई फोन दो ना, फोन दो ना योगेश भाई। साला तुम लोग सुधरेगा नहीं कभी। इधर मसवा कहाँ है? वो तो आया नहीं तीन चार दिन से। योगेश सरोज का कुछ मालूम चला? नहीं भैया कुछ पता नहीं चला अभी तक, लेकिन जल्दी मालूम चल जाएगा, बताना। सर माना कि ब्रिज मोहन का मोटिव सरोज को गायब करने का है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज और कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। सरोज के चाचा और चाची ने हमें जो कहानी सुनाई उसमें से किसकी कहानी सच्ची लगती है? हो सकता है दोनों गलतफहमी का शिकार हो, लेकिन दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर शक जता रहे हैं। कोई ना कोई तो गलत जरूर। योगेश उसकी बीवी और ससुर ब्रिज मोहन तीनों को अच्छे से खंगालो, और बाहर के एंगल भी। सरोज के स्कूल और मोहल्ले के आसपास में सबसे पता करो, 10 साल की बच्ची गायब हुई, किसी ना किसी का कोई ना कोई मोटिव तो जरूर रहा होगा। हम सरोज को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि सरोज की दोस्त कुमारी भी ठीक उसी तरह अनजान परिस्थितियों में गायब होने वाली थी। कुमारी के गायब होने से हम पर दबाव और बढ़ गया था, क्योंकि अभी तक हम सरोज को ढूंढने में नाकाम रहे। कुमारी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते वक्त कुमारी के माँ बाप ने किसी पर शक नहीं जताया, पर कुमारी की दिमागी हालत से जुड़ी जो बातें सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी। साहब सरोज जब से गायब हुई थी ना, कुमारी अपना सुदबुद्धि खो बैठी थी। मतलब? साहब उसे सरोज का भूत दिखाई देता था। सरोज का भूत? सर दरअसल कुमारी सरोज से बहुत ज्यादा अटैच थी। जब से सरोज गायब हुई थी कुमारी को एक गहरा सदमा लगा था, और शायद इसी वजह से कुमारी सरोज को हेलुसिनेट करने लगी थी। हेलुसिनेट मतलब? कुमारी को लगता था कि वो वाकई सरोज को देख रही है। साहब से दिखाई नहीं देती थी, वो अपने में बड़बड़ाती रहती थी ऐसे जैसे सरोज से बात कर रही हो। एक दिन तो उसने बोला कि सरोज उससे बात करते करते उसका टिफिन का खाना खा गई। कुमारी इका है, डब्बा फुल क्यों है? लेकिन सरोज तो हमारा डब्बा पूरा चट कर गई थी। सर हम तो कुमारी को किसी अच्छे काउंसलर को दिखाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही ये सब। देखिए जैसा आप लोग बता रहे हैं उसे तो लगता है कि सरोज के जाने से कुमारी को गहरा सदमा पहुंचा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुमारी खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई? साहब इतनी छोटी सी बच्ची अपने आप कहां जाएगी? तो हो सकता है कुमारी को किसी ने गायब किया। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं साहब हमको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग सब पूरी बॉडी मिट्टी से सन गई है, लगता है बॉडी को पहले दूसरी जगह गाड़ा गया।
लेकिन अगर बॉडी को कहीं दूसरी जगह गाड़ा गया था फिर वहाँ से निकाल कर यहाँ डंप क्यों किया गया? सर, सरोज 8 दिन पहले गायब हुई थी और इस बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि इसका मर्डर काफ़ी पहले हुआ है। कहीं सरोज तो नहीं? नहीं, ये हमारी सरोज नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ बॉडी को पहचानना मुश्किल है, पर हमें बॉडी पर से ये कपड़े और ये लॉकेट मिले, क्या है सरोज के? सरोज के पेरेंट्स ने बॉडी की शिनाख्त कर ली थी, लेकिन फिर भी हम बॉडी के डीएनए को सरोज के पिता से मैच करके कंफर्म करना चाहते थे। सवाल ये था कि अगर सरोज की डेड बॉडी को कहीं गाड़ा गया था तो उस डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर कहीं और डंप करके मुजरिम क्या साबित करना चाहता था? क्या ये हमें भटकाने की कोई चाल थी? hey! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, दीदी के लिए आए। अच्छा, बड़ी हमदर्दी आ गई तुम्हें अब। जया, दीदी, सरोज। ये अपनी नौटंकी बंद करो, समझी तुम? और निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करोगे? हथकड़ी लगवाओगे? सुनो, अगर हम अपनी पर आ गए ना तो हम तुमको हथकड़ी लगवाएंगे, समझे? नहीं, चलो तो ठीक है, निकलो अभी से। हथकड़ी लगवाएं, निकलो। हमने तो सोचा था आपसे मिलकर आपका दुख बांटेंगे, लेकिन हम आपसे फोन पर बात करते हैं। सर, सरोज को मार के गाड़ने वाला खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की गलती तो करेगा नहीं, और वो भी ऐसी गलती कि गड़ा मुर्दा खुद हमारे सामने आ जाए। दुबे, क्रिमिनल दिमाग के घोड़े टेढ़ी चाल भी चलते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सरोज को मारने के बाद कुमारी को गायब करने का मकसद क्या था, और कुमारी के गायब होते ही हमें सरोज की डेड बॉडी मिल जाती है। पक्का कोई गेम खेल रहा है। सब कुमारी के पेरेंट्स ने तो किसी पे भी शक नहीं जताया, लेकिन सरोज के माँ बाप ने सिर्फ ब्रजमोहन पे ही शक जताया है। और अगर मान भी लें कि सरोज की हत्या के पीछे ब्रजमोहन का ही हाथ है, लेकिन कुमारी को गायब करने के पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है? बाहरी एंगल से कुछ नहीं मिल रहा, लगता अब हमें इनकी जड़ों में उतरना पड़ेगा। पता करो कि सरोज की डेड बॉडी को कहाँ गाड़ा गया था। सरोज की डेड बॉडी हमें इस ब्रांड की सीमेंट की बोरी में मिली थी, तो हो सकता है जहां पर डेड बॉडी को गाड़ा गया आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा। इस ब्रांड की सीमेंट को सप्लाई करने वाले डीलर से मिलो और पता करो कि ये सीमेंट पिछले दिनों कहां कहां सप्लाई हुआ। कभी कभी क्राइम सीन भी क्रिमिनल की लीड दे सकता है। जब से सरोज का सुने तब से लग रहा है कहीं कुमारी भी तो। भैया, हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन जब से सरोज के बाद ये कुमारी गायब हुई है ना, हमको बार बार अंगद का शक्ल दिमाग में आ रहा है। मगर वो बात को तो बीते बहुत अरसा हो गया है। हम मानते हैं कि बहुत टाइम बीत गया है, लेकिन तभी अंगद को इन दोनों से कितना तकलीफ था, भैया आपने भी देखा था ना। ये अंगदवा को छोड़ेंगे नहीं हम। हेलो, सरोज को तो छोड़े नहीं, कुमारी कहाँ? हमको बचा लीजिए साहब, अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है मेरा। साहब, यही अंगद को मर्डर किया है, यही मारा हमारी बेटी सरोज को। इसको छोड़ो, रुको,
अगर इसने कुछ किया वो देखना हमारा काम है। इस पर शक था तो हमें क्यों नहीं बताया? अंगद एक साल पहले तक कुमारी और सरोज के मोहल्ले में ही रहता था और पिछले एक साल से अंगद की बेटी भी गायब थी, पर उसकी बेटी के गायब होने की कहानी अलग थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी बेटी के गायब होने का सरोज और कुमारी के गायब होने से क्या कनेक्शन है और आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसने अंगद को इन दोनों बच्चियों का दुश्मन बना दिया था। आए भाई चलते पराठे। सरोज ये लो लेटर, वो मानसी जी को दे देना और हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मानसी तुम्हारा फोन 4 दिन से बंद है, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। छोड़ो ना, किसी का लेटर ही पढ़ते। चाचा नमस्ते। चाचा मानसी दीदी कहाँ है? कमरे में है। काओ मानसी दीदी साहब, अंगद की बेटी का उस बंटी के साथ चक्कर था, वो दोनों अपनी चिट्ठियां बदलवाते थे कुमारी और सरोज से। पहले हमको ये बात पता नहीं थी लेकिन हमें बाद में पता चली और जब ये बात अंगद को पता चली तो यहाँ आकर बिगड़ने लगा दोनों लड़कियों पर। मानसी कहा नहीं तो देंगे। आराम से, तुम्हारी बेटी बंटी के साथ भागी है ना? इन दोनों की वजह से ही उस साला हमारी बेटी को भगा कर ले गया। ये दोनों चल रहे, समझा ना? अबे ए लड़कियों पे हाथ कैसे उठा रहे तो लगता है साहब साल भर से गुस्सा पाल रहा था। ये कांड उसी ने किया। सरोज को तो हम बचा नहीं पाए, कुमारी को बचा लीजिए, उसे अंगद भाई के पास होगी कुमारी। साहब उस वक्त हमारी बेटी भाग गई थी, इसे गुस्से में आकर हमने उलूल जुलूल बोल दिया। बोलने नहीं गया था, तेरा बस चलता तो उसी समय दोनों बच्चों को खत्म कर देता। नहीं साहब, ये बात को तो पूरे 1 साल हो गए, अगर हमको कुछ करना होता तो हम 1 साल पहले कर देते ना। कितना शातिर गेम खेला है ना तूने, पहले अपने बदले के लिए सरोज को खत्म करके उसको गाड़ दिया और अब कुमारी को गायब करके सरोज की लाश को सड़क पे फेंक दिया ताकि तेरे पे शक ना जाए। आप हमारी बात तो समझते क्या नहीं है, हम कुछ नहीं किए। उन गुंडों के नाम बोल जिनके साथ तू 1 साल पहले उन दोनों बच्चों को खत्म करने गया था। आपको किसने बता दिया कि ये लोग गुंडे थे? वो लोग हमारे दोस्त थे साहब। उन दोस्तों के नाम बोल। बोल साहब बताता हूँ, उनका नाम बंटी ललन और गोविंद था। अब सच बोलोगे या थोड़ी और दुलाई करवाओ? हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानने वाले। चलो रखो, अंगद और उसके साथ ही अपने बयान पर कायम थे और हम एरिया के कई हिस्ट्री शीटर्स को खंगाल चुके थे लेकिन कुमारी की कोई लीड नहीं मिल रही थी और ना ही उस जगह का पता चल पाया था जहां सरोज को गाड़ा गया था। तभी सरोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सरोज की हत्या उसी दौरान हुई जब वो गायब हुई, उसको गला दबा के मारा गया और उसकी हत्या से पहले उसके साथ रेप भी किया गया है सर। रेप? यस सर। उसकी बॉडी काफी टाइम से गड़ी हुई थी इसलिए उसकी बॉडी से रेपिस्ट का डीएनए सैंपल नहीं मिल पाया। सरोज को रेप करके कत्ल कर दिया गया, हो सकता है कुमारी को भी इसी मकसद से गायब किया गया। सर हमने एरिया के किसी भी हिस्ट्री शीटर को नहीं छोड़ा, सबको खंगाल डाला लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सर आई एम श्योर ये रेपिस्ट उन बच्चियों के मोहल्ले का ही कोई है। बहुत हाथ पैर मारने पड़े क्योंकि बॉडी पर डीएनए सैंपल्स नहीं है, मोहल्ले के एक एक आदमी की कुंडली निकालनी पड़ेगी। क्या रेप? सरोज के साथ इतना कुछ? अंगद और ब्रिजमोहन जिन पर तुमने शक जताया था उनसे तो हम पूछताछ कर ही रहे लेकिन तुम्हारी नजर में कोई और ऐसा है जो बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है? अब हम क्या बताएं साहब, अब कोई छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है? ये सुनकर तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। सर 15 दिनों से आप कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको हमारी कुमारी चाहिए। हमारी सरोज को तो आप ढूंढ नहीं पाए, कम से कम कुमारी को ही ढूंढ दीजिए। हम विनती करते हैं सर आपसे। कब से हमको तू घुमाए जा रहा है? अरे हाँ छोड़िए, हमको कहना क्या चाहते हो? तू अच्छे से जानता है कि हम क्या चाहते हैं। बता रमेश कहाँ है? रमेश बताया तो है तुमको, पटना गया है नौकरी के लिए और तुम ना बेकार में उस पर शक कर रहे हो।
सर, इन बच्चियों के मोहल्ले में एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, वो शॉप है संतोष चलाता है सर। पता चला है कि संतोष अपनी दुकान पे फोन क्लिप्स बेचने और खरीदने का भी काम करता है। और सर ये है रमेश। सर इस रमेश का संतोष की दुकान पर काफी आना जाना था। 3 साल पहले इस पर रेप का चार्ज लगा था, तब ये सिर्फ 17 साल का था, इसलिए जुवेनाइल कोर्ट ने इसे बाल सुधार गृह भेज दिया। ये अभी 3 महीने पहले ही वहां से बाहर आया। सर जब से सरोज गायब हुई है तब से इसका संतोष की दुकान पर आना जाना भी बंद हो गया है। उठाओ दोनों को। सर, सर तालाब के पास एक बच्ची की लाश मिली है, वो स्कूल ड्रेस पहन रखी है। अरे सरोज कहाँ जा रही हो? सरोज रुको! सरोज, सरोज कहाँ जा रही हो अंदर? सरोज, सरोज, सरोज! सर ये कुमारी की ही बॉडी है। सरोज की बॉडी को रेप करने के बाद मिट्टी में गाड़ा गया और कुमारी की लाश को पानी में फेंका गया। जरूर मकसद डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने का। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कुमारी के माँ बाप को इन्फॉर्म करो। सर कुमारी, कुमारी, कुमारी! सरोज की तरह हम कुमारी को भी रेप विक्टिम मान रहे थे और शक की बुनियाद पर हमने संतोष को उठा लिया था, लेकिन उसका दोस्त रमेश जो रेप चार्ज में पहले भी अंदर हो चुका था वो अब फरार था। बोल रमेश कहाँ है? पटना में साहब। पटना में कहाँ? पटना मालूम नहीं साहब। फोन क्लिप का धंधा करता है ना तू? तेरी दुकान से बहुत सारे अश्लील वीडियोस के सीडीज भी मिले हैं और रमेश भी ये सब करता है तेरी दुकान पे, है ना? करते थे साहब, करते थे, लेकिन और लोग भी तो देखते हैं साहब। वो सरोज का चाचा, वो भी तो देखता है साहब। योगेश। हाँ साहब, मानता हूँ मेरा धंधा गलत है और रमेश का हिस्ट्री, लेकिन साहब ना मैंने कुछ किया है ना ही रमेश ने साहब। वो तो डर के गायब हो गया साहब, मुझे लगा कि उसकी हिस्ट्री की वजह से आप लोग उसे उठा लोगे। ऐसे नहीं बोलेगा तुम तो। चलो ऐसा, संतोष अपने बयान पर कायम रहे और रमेश फरार था और मालूम चला था कि योगेश का संतोष और रमेश इन दोनों के साथ उठना बैठना था, इसलिए हमने योगेश से भी क्वेश्चनिंग की। साहब हमको तो पहले से ही रमेश और संतोष पे शक था। तो फिर ब्रिजमोहन और अंगद का नाम क्यों लिया था? वो इसलिए कि उनसे थोड़ी पुरानी पहचान थी हमारी और उनकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं थी साहब, इसलिए वो दोनों हमारे डाउट में थे। उनके ऊपर डाउट हो रहा था या उन पर डाउट डाल के खुद को डाउट से निकालना चाहते थे? हमने योगेश और संतोष से सच उगलवाने के लिए कई पैंतरे अपनाए, लेकिन फिर भी हमें वो जवाब नहीं मिल रहे थे जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। हमें लग रहा था कि सरोज की तरह कुमारी का भी रेप हुआ होगा, पर कुमारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। कुमारी की हत्या भी सरोज की तरह गला दबाकर ही हुई थी और उसका रेप नहीं हुआ था। इन दोनों क्राइम्स के पीछे का कोई भी पुख्ता मोटिव हमारी नज़र में नहीं आ रहा, लेकिन तभी एक ऐसा फैक्ट सामने आया जिसने हमें और भी उलझा के रख दिया। सर इस डीएनए रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। जो बॉडी उस सीमेंट की बोरी में मिली थी उसका डीएनए सरोज के फादर घनश्याम से मैच ही नहीं करता है। लेकिन बॉडी पर जो कपड़े और लॉकेट था वो तो सरोज का ही था और खुद सरोज के माँ बाप ने बॉडी की शिनाख्त की। लेकिन सर डीएनए रिपोर्ट से साफ है कि सरोज घनश्याम की बेटी है ही नहीं। लेकिन उनके हावभाव से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सरोज की बॉडी नहीं होगी, तो फिर उन्होंने किसी और की बॉडी को सरोज की बॉडी क्यों कहा? चक्कर क्या? हम बॉडी का डीएनए सरोज की माँ से भी मैच करके देखना चाहते थे और जो नतीजा सामने आया उसने इस केस का रुख ही मोड़ दिया। प्रभा जी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सर, सर कहां लेके जा रहे हैं आप इन्हें? क्या किया है सर इन्होंने? सर बताइए, सर सर कहां लेके जा रहे हैं आप इन्हें? प्रभा तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया इसका अंदाजा तुम्हें हो ही गया होगा, तो बोलो। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, बोलो। साहब
हम सरोज की माँ हैं, सपने में भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। और सरोज का बाप? सरोज का बाप कौन? साहब, हम गलत नहीं थे, हमें गलत बनाया गया। शादी के 7 साल बाद भी हमारा गोद सूना था, और कमी हम में नहीं थी, घनश्याम जी में थी। हमने कई बार उनसे बात करने की भी कोशिश की। सुनिए, वो हाँ बोलो। वो डॉक्टर ने कह रहे थे हमसे, आप भी एक बार चेकअप करवा लेते, हो सकता है कि कमी आप। क्या बकवास कर रही हो तुम? खुद माँ नहीं बन सकती हो और हमारी मर्दानगी पे शक करती हो? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं। बस, और जेल लिया हम तुमको। अब हमें बच्चा नहीं दे सकती हो तो तुम्हारा इंतजाम कर देंगे हम। घनश्याम जी ने तो दूसरा शादी करने का मन भी बना लिया था। हम हर संभव कोशिश करके थक चुके थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। कुमारी के मम्मी पापा मुन्ना जी और भुवनेश्वरी हमारे यहाँ किराए पर रहते थे, तब भुवनेश्वरी माँ बनने वाली थी। अरे वो डॉक्टर की फाइल कहाँ है? अरे वो तो ऊपर ही रह गई। अच्छा, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। बैठे आराम से। अरे भुवनेश्वरी, आराम से ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, और तुम खाना पीना ठीक से कर रही हो कि नहीं? हाँ। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं बना के खिला दूँ। ओ मैडम, ओ दूसरों को ज्ञान दे रही हो, कभी अपने ऊपर भी ये ज्ञान अमल कर लिया करो। और इतना ही तुमको पता है तो खुद का ही नहीं बच्चा पैदा कर लेती हो? चलिए ज्ञान देने, जाओ जो काम करो अपना, चलो जाओ। क्या हुआ? क्या भाई साहब, छोटी छोटी बातें आप भाभी का कितना अपमान कर देते हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, सब सही हो जाएगा। अंधेर नहीं है, आराम से। उस दिन मुन्ना जी में हमें एक हमदर्द नजर आया, हम गलत नहीं थे, मजबूर थे, कोई था ही नहीं हमें समझने वाला। मां ना बनने के कलंक से बचने के लिए हमने खुद को कलंकित करने का सोच लिया था। हाँ भाभी, आपने बुलाया? हम जानते हैं कि ये कहकर शायद हम आपकी नजर में गिर जाएं। हमारी गरीब मां की लाज रख लीजिए, हमारी सुनी को। हम तो बस मां बनना चाहते थे, और प्रेग्नेंट होने के बाद हमने मुन्ना जी से कोई रिश्ता नहीं रखा, और ना ही मुन्ना जी ने कभी ऐसी कोई कोशिश की। घनश्याम जी को तो यही लगता रहा कि सरोज उन्हीं की बेटी है। माना कि हमने पाप किया, लेकिन हमारे पाप की सजा सरोज को क्यों दी उसने? उसने? साफ साफ बोलो, किसने? घनश्याम जी को कभी हम पर शक नहीं हुआ, लेकिन मुन्ना जी की बीवी भुवनेश्वर, उसको हमेशा से हम पर शक था। कई बार ताने भी देती थी। तेरा ना चलते, तेरा ना दोस्त का बाल। कितना पक्का दोस्त है ना दोनों का। अरे दोस्त का, दोनों बहने हैं, बिल्कुल फिल्म की तरह, बस शकल ही अलग है दोनों की। सरोज और कुमारी का दोस्ती भी निभाता था उसको। कुमारी, चुपचाप घर चलो। तुमको हमने कितनी बार बोला इस लड़की से दूर रहो, इसके साथ नहीं खेलना, छोड़ दो। मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। चलो घर चुपचाप। अरे भुवनेश्वरी, क्या कर रही है? हमें नहीं, बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। चलो, अरे हम इसके साथ खेलेंगे, चलो तुम। लेकिन खून तो एक ही था दोनों में, उनको अलग करते तो बुखार चढ़ जाता था दोनों को, इसलिए थक हार के भुवनेश्वरी ने चुप्पी मार ली। लेकिन जब सरोज गायब हुई तो हमें उसी पर शक हुआ। जब आप और सरोज वहां खेल नहीं थे, तब आसपास कोई अंकल या आंटी थी जो आपको लगातार देख रहे हैं, और आपको कुछ अजीब लगा हो या गलत लगा
बस आपको बता नहीं पाए। हमें बता नहीं पाए, लेकिन भुवनेश्वरी से तो बदला ले लिया ना। जिस वक्त जहां कुमारी का कत्ल हुआ उस वक्त वहां पर तुम्हारा फोन एक्टिव था। आ गए तुम? अब अपनी बदतमीजी मत दिखाओ, बात करो हमसे। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो चाची आप हमें? चाची। वहीं जा, तेरी माँ ने हमारे सरोज को पहुंचाया। क्या? सरोज हमें दिखती है, आपको नहीं दिखती क्या? हमें कहाँ से दिखेगी? तेरी माँ जो खा गई इसे, हाँ? और तू भी पगला गई। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया साहब। पर अपनी गलती को छुपाने के लिए तुमने कुमारी की लाश को तालाब में फेंक दिया। लेकिन साहब, सरोज को भुवनेश्वरी ने ही मरवाया है और उसका रेप भी करवाया, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। हाँ साहब, हम मानते हैं, ये हमें पहले से ही पता था, सरोज मुन्ना जी और प्रभा की ही बेटी है। लेकिन साहब, हम इतने गए गुजरे नहीं है जो इतना घिनौना काम करेंगे। सर, हम तो चाहते थे कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। हमें कहाँ मालूम था कि उन दोनों बहनों का इतना बुरा अंजाम होगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी नहीं किसी से सरोज का रेप भी करवाया और मर्डर भी? साहब, हम कुमारी की कसम खा के कहते हैं, हमने सरोज के साथ कुछ नहीं करवाया। और भुवनेश्वरी का तो है, लेकिन ये घनश्याम भी सरोज का सगा बाप नहीं, तो हो सकता है उसे ये राज पहले पता चल गया। क्या सरोज हमारी बेटी नहीं है? सरोज हमारा खून थी सर। कितने सालों से अपनी सच्चाई से भागते रहे, अब ये गुरूर और दिखावा छोड़। सरोज मेरा गुरूर है और गलत हम नहीं है, गलत वो प्रभा है। अच्छा, प्रभा को बांध समझ कर छोड़कर जाने वाले थे, तब गलत कौन था, तुम या प्रभा? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सरोज के साथ क्या किया था? सर, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम उसके पिता हैं, हम उसके साथ कैसे गलत कर सकते हैं? सरोज का मर्डर अब तक एक पहेली बना हुआ था जिसके लिए हम हर एंगल को खंगाल रहे थे, और इसी बीच हमें रमेश का पता चला। लेकिन औरों की तरह रमेश भी कुछ कबूल नहीं कर रहा था, और हमारी मुश्किल ये थी कि रेपिस्ट ने सरोज की बॉडी से डीएनए सैंपल्स भी मिटा दिए, और अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा, वो था उस जगह का पता लगाना जहां सरोज की बॉडी को गाड़ा गया था, जिसकी कोशिश हम शुरू से कर रहे थे, लेकिन अब हमने अपनी कोशिशें और भी तेज कर दी थी। हमने ऐसी कई कंस्ट्रक्शन साइट की डिटेल निकलवाई जहां पर उस ब्रांड की सीमेंट सप्लाई होती थी जिसकी बोरी में सरोज की बॉडी को डंप किया गया। सरोज की बॉडी पर मिले सॉइल सैंपल को हमने उन कंस्ट्रक्शन साइट के सॉइल सैंपल से मैच करवाना शुरू किया, और आखिरकार इस केस में उम्मीद की किरण जगी। साहब, आपको जरूर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे कोई लाश नहीं गड़ी थी। गड़ी थी, यहीं गड़ी थी, नींव की खुदाई होते ही लाश सामने आ गई, और फिर तुमने अपने मजदूरों को डरा कर वो लाश यहाँ से कहीं और डंप करवा दी। अब वो लाश कहाँ गड़ी थी, ये तुम खुद हमें दिखाओगे या फिर इस बिल्डिंग को गिरा कर हम ढूंढ लें वो जगह? साहब, हमको गलत मत समझिएगा, पहली बात तो कई दिनों से काम बंद था, दोबारा जब काम शुरू किया तो अपने प्लाट पे लाश देखकर हम डर गए, हम डर गए कि कहीं फंस ना जाए, इस डर से हमने लाश को कहीं और फेंकवा दिया। हमने कोई कांड नहीं किया ऐसा, वो तो हम पता लगा लेंगे, लेके जाओ। चल चल, एक मिनट रुको। सर, इसे फॉरेंसिक में भेजो,
सर कपड़ों के टुकड़ों में ये बाल भी मिले और फॉरेंसिक ने भी कंफर्म किया है कि ये बाल सरोज के ही हैं, लेकिन सर उस प्लॉट ओनर का सरोज से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा, इतना तोड़ने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। ये शाम को सरोज का कत्ल हुआ, उस शाम को उस प्लॉट की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर सीसीटीवी खंगाल, अगर सरोज की बॉडी को कहीं और से लाकर उस प्लॉट पर डंप किया गया होगा तो सीसीटीवी से कोई ना कोई लीड जरूर मिलनी चाहिए। ओके सर। हमने क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी स्कैन किए, सरोज की हत्या वाली शाम उस एरिया में एक ऐसी कार भी कैप्चर हुई जो हमें सरोज के अपराधी तक ले गए। हाँ सर, उस शाम सरोज के दादाजी कार से उसे ढूंढने गए थे। अठारह साल से तुम अपने ससुर को जानती हो, कभी शक नहीं हुआ? हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन एक बार जया ने बोला था। जया, क्या हुआ? जब जया ने हमें उस बारे में बताया तो हमने उसे ही समझा दिया कि वो गलत सोच रही है, गलती हमारी थी, हम ही बाबूजी की गलत नजर को भांप नहीं पाए। 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, भटक गया था साहब। उस दिन जब प्रभा बाजार गई, मैं घर में अकेला था, तो पीने बैठ गया और अचानक कमरे में सरोज आ गई। दादू, मेरा बैग देखा क्या? हाँ है ना। सरोज? हाँ दादू। जा। बहुत प्यारी बच्ची थी। नशे में। वो धोती हमारे हाथ लगी, हमने उसको धोती पे लपेटा और। बाबूजी, आप यहाँ? हाँ, वो सर में जरा दर्द हो रहा था ना, तो बाहर आ गया। एक नींबू चाय बना दोगे तो? हाँ, अभी बना देती हूँ। हाँ, क्या बात है, बाजार में आज तुमको देर हो गई। महीने भर का सामान आना था ना, तो टाइम ज्यादा लग गया। सरोज नहीं दिख रही है घर में? वो कुमारी के साथ खेलने गई थी, आने वाली होगी। फिर हम सरोज को ढूंढने के बहाने घर से गाड़ी लेकर निकल गए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी को हम कहाँ ठिकाने लगाएं। एक सुनसान जगह दिखी तो साहब, हमने कई बार सोचा कि आपके पास आकर हम अपना गुनाह कबूल कर, लेकिन हम अपने बुजुर्गों को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन सरोज के दादा ने जो हरकत सरोज के साथ की थी वो इतनी गिरी हुई थी, इतनी घिनौनी थी कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। और हैरान करने वाली बात यह थी कि जब जया ने सरोज के दादा की गलत नजर की दस्तक को महसूस किया था, तब प्रभा ने उस दस्तक को जया की गलतफहमी बोलकर नकार दिया था। दूसरों के लिए हमारा नजरिया अलग अलग हो सकता है, पर कुछ नजरें ऐसी होती हैं जिनके पीछे बुरी नीयत की दस्तक होती है, और जब जब उस दस्तक को नजरअंदाज किया जाता है तब तब हमारे आसपास कोई ना कोई सरोज जरूर खतरे में होती है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी, हम पुलिस वालों के लिए हर एक केस शतरंज के खेल की तरह होता है। कोई भी एक गेम दूसरे गेम से नहीं मिलती। मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, जब मैं सीतापुर में पोस्टेड था तो एक हैरत अंगेज केस आया मेरे पास, बिल्कुल इस शतरंज के खेल की तरह बुरी तरह से बिखरा हुआ। हर एक मोड़ पे एक नया खतरा, एक नया चैलेंज, लेकिन मैं और मेरी टीम ने यह फैसला कर लिया था इस बिखरे हुए केस को सुलझा कर रहेंगे। और एक और बात, जब इस केस से जुड़े क्रिमिनल्स के मोटिव्स जानेंगे ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ज्योति माता की, ज्योति मां की, ज्योति मां की, ज्योति मां की। बेटा प्रणाम करो मां को। प्रणाम मां। बिजनेस फेल, घर में तनाव,
जब तक अनुष्ठान नहीं करोगे तब तक यूं ही चक्कर काटते रहोगे। कारोबार में 10 लाख का नुकसान हो गया। ज्योति माँ का बताया उपाय अपनाया? जी नहीं। फिर जो हुआ है वो और होगा। ज्योति माँ की भविष्यवाणी याद है ना? मृत्यु मंडरा रही है तुम्हारे घर पे। जो अनुष्ठान बताया है उसे करो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। मैं करता हूँ। त्रिकाल रक्षा करे। 2 बेटियां है ना, 4 साल की और 10 साल की? जी माँ। आओ बेटी, इधर आओ। आ जा। जो कहा है वो करो, नहीं करोगे तो मरोगे। इधर आओ। प्रणाम माँ। ज्योति माँ, उपाय तो सब किए लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अरे पागल हो गए हो? ज्योति माँ पर उंगली उठा रहे हो? तुम्हारा इलाज जल्दी हो जाएगा, मन में कामना करो। जैसी आपकी आज्ञा माँ। ज्योति माता की जय। ज्योति माँ की जय। अनिकेत कॉफी। अनिकेत, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं? नहीं, जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। नीलम, बर्तन अच्छे से धोना। बिन्नी उठ जाओ। अरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है बच्चा, जल्दी से उठ जाओ। अरे उठो, कितना सोती है लड़की। टीना कहाँ? मुझे नहीं पता मामा। ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं देखती हूँ टीना पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह। टीना हेलो, टीना आपके साथ है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? अरे टीना कैसे हो सकती है मेरे साथ? लेकिन वो तो घर में भी नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? आप जल्दी से आ जाओ, मैंने ढूंढ लिया लेकिन मिल नहीं रही है। आप जल्दी से आ जाओ। मिली क्या टीना? नहीं मिली मम्मा। नहीं मिली? पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। क्या करूँ मैं अभी, कहाँ ढूंढूँ उसे? सोमेश, टीना नहीं मिली अभी तक। नहीं मिल रही है मतलब क्या? गई कहाँ वो? मुझे नहीं पता कहाँ गई वो। उसे ढूंढ के लाओ, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ प्लीज। टीना को ढूंढ के लाओ प्लीज। बदे इसे लेके जाओ। पर सर आपने तो खाया ही नहीं। नहीं मेरा हो गया, लेके जाओ। ओके सर। सॉरी, आखिरी बार बच्ची को कब देखा? रात में सुला के उनके कमरे से निकली थी मैं। सुबह जब बिन्नी को उठाने गई कमरे में तो टीना नहीं थी। कितने बजे? 8 बजे। आप लोग सोते वक्त फ्रंट डोर लॉक करके नहीं सोते? करते हैं सर, लेकिन मेड अखबार वाला दूध वाला आते सुबह तो खोल देते। आपको किसी पे कोई शक? किसी ने कोई दुश्मनी निकाली हो या फिर? जी ऐसा तो कोई नहीं है। आप कहाँ थे जब बच्ची गायब हुई थी? सर मैं फैक्ट्री पे गया था कुछ काम से। इतनी सुबह? जी एक पार्टी के साथ कुछ डील करना था। ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। धर्म टेक चार्ज। सर आइए। हाँ जी, अच्छा था लेकिन अगली बार कॉन्टिनेंटल ट्राई मत करना। साहब मैं 8:30 बजे आ जाती हूँ। तुमने कहीं टीना को आते जाते देखा? नहीं। तुम्हारे साहब और मालकिन अपनी बच्चियों के साथ कैसे रहते थे? वो तो बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं साहब। हमने सभी नाकों और PCR को अलर्ट कर दिया, कोई ना कोई खबर जरूर आएगी। बस आप अपने मोबाइल ऑन रखिए,
अगर ये किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई है तो कॉल जरूर आएगा। सर बच्ची को कोई घर से उठा ले गया और घर पे किसी को खबर तक नहीं लगी। हाँ बड़े ताज्जुब की बात है, कोई जरूर कुछ छुपा रहा है। नम्रता तुम एक काम करो, वो जो आदमी है सोमेश शर्मा उसकी हिस्ट्री निकालो, मेड पे नजर रखो, उनके घर कौन आता जाता है सब पता करो। सर को निकलवा। हेलो क्या टीना? टीना 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 मेरे बच्ची का क्या हो गया? टीना मेरे बच्ची टीना अरे उठाओ उसको। थोड़ी देर से नहीं नहीं लड़की इस एरिया में अकेले तो नहीं आई होगी, बहुत सुनसान एरिया है, कोई ना कोई उसे लेकर आया होगा। गर्दन पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है और मुंह के अंदर कपड़ा भी ठूसा हुआ है सर। इस पूरे एरिया को सर्च करवा, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर जैसा आजकल हो रहा है कहीं किसी ने इस लड़की के साथ कोई गलत काम करके तो यानी डाल दिया? अभी फिलहाल कह नहीं सकते। क्या हो गया हमारे बच्चे? हाथ बंद लगा दो मुझे, हाथ बंद लगा। ये सोमेश के बारे में कुछ पता चला क्या? कपड़ों का व्यापारी है सर, नॉर्थ इंडिया में से कपड़ों की सप्लाई थी, फिलहाल बिजनेस ठप है, काफी कर्जे में डूबा हुआ है। सुमेश जी आपका घर इस जगह से 1.25 किलोमीटर दूर है, आप कभी इस एरिया में नहीं? नहीं साहब, हम लोग कभी इधर नहीं आए। सारी मुसीबत की जड़ यही है, उसको पता था मेरी बच्ची मरने वाली है, जादू तो उसे मार दिया उसने। अब दरजे में पड़ गई ठंडक तुम्हारी। जाओ जाओ जाके बोलो ज्योति माँ को, उसका भविष्य हमारे साथ हो गया। अब किसको मारेगी वो, किसको खाएगी मुझे? ये ज्योति माँ का क्या चक्कर है? कुछ नहीं है साहब, बस मुझे कारोबार में बड़े झटके लगे थे साहब, बहुत नुकसान हो गया था, उसी सिलसिले में उनसे जाके मिलाया था। उन्होंने मुझे कुछ विधि अनुष्ठान बताए थे, मगर सर वीरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वीरा ने तो कहा कि ज्योति माँ ने आपकी बेटी की जान ली थी। नहीं साहब, उन्होंने तो खाली भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी? उन्होंने कहा था साहब, मृत्यु मंडरा रही है तुम्हारे घर पे, दो बेटियां हैं ना, 4 साल की और 10 साल की, जो अनुष्ठान बताया है उसे करो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। क्या उपाय बता साहब? उन्होंने 2 लाख रुपए का हवन करने को कहा था, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं बचा पाया अपनी बच्ची को साहब। ये ज्योति माँ कहाँ रहती है? यही सदर बाजार में उनका आश्रम साहब। फिर इस बार बात नहीं बनी, आगे ऐसा कब तक चलता रहेगा? बस अब ऐसा लगता है इसके बाद मुझे ही कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। नमस्कार ज्योति, आपसे केस के सिलसिले में बात करनी थी। जी हत्या हुई है उसकी, 4 साल की टीना शर्मा, आपके भक्त सोमेश की बेटी। सोमेश की बेटी ने प्राण त्याग दिए, बड़ी ही नेक बच्ची थी, आई थी कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में। सोमेश को हमने बताया था कि काल मंडरा रहा है उसके ऊपर, शनि की वक्र दशा है उस पर, उसे निदान भी बताया था लेकिन नहीं किया। आजकल तो लोग सिर्फ अपनी जेब ही देखते हैं। पर हत्या हुई है उसकी,
तो इसे घर से उठा के ले गया और उसे मार डाला। आपने तो भविष्यवाणी भी की थी ना, क्या मैं जान सकता हूँ आपको ये कैसे पता चला? अब थानेदार साहब, अपराध और कानून के बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं, लेकिन हाँ आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ज्योति माँ सब जानती है, भूत भविष्य सब कुछ। माँ ज्योति के अंदर एक दिव्य प्रकाश समाया हुआ है जिससे कुछ भी नहीं छुपता। कानून का भी यही हाल है ज्योति, कानून से भी कोई भी मुजरिम नहीं छुपता। थानेदार साहब, हो गई आपकी बातचीत? ज्योति माँ आपसे मंत्री जी मिलने आने वाले हैं। दो मिनट। अरे मंत्री जी बहुत दूर से आ रहे हैं, प्लीज। ठीक, नमस्कार सर। आपने बुलाया? हाँ सर। एक काम करो, ज्योति माँ के भक्तों की एक लिस्ट निकलवा। तो ज्योति माँ उसका पति कोई ना कोई कांड जरूर कर रहा है, और ये भी पता करो कि ज्योति माँ आई कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है। सर ये कुछ 3-4 साल पहले आई थी। सोमेश और उसकी वाइफ के बीच में ज्योति माँ की वजह से अनबन चलती रहती है। सोमेश ज्योति माँ का बहुत बड़ा भक्त है, और उसी के घर में उसकी बेटी गायब होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हमने एक एंगल पे टटोल लिया है, लेकिन बाकी एंगल टटोलना बाकी है। एक काम करो, सोमेश शर्मा और वीरा शर्मा के कॉल डिटेल निकल, शायद इस किडनैपिंग और मर्डर के पीछे कोई पर्सनल एंगल भी हो सकता है। राइट सर। भारतीय कानून बिल्कुल लॉजिक पर चलता है, उसके लिए 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं। अब जरा आप ही सोच कर देखिए, एक बच्ची की मौत हो जाती है, सारे गवाह सारे सबूत हत्या की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर हमें यह सुनने में आता है कि किसी ने इसकी भविष्यवाणी की थी। जो अनुष्ठान बताया है उसे करो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। ज्योति माँ सब जानती है, भूत भविष्य सब कुछ। कहाँ जाता है तर्क, कहाँ जाता है लॉजिक? हर अपराध के पीछे एक दस्तक होती है, हम पुलिस वाले उस दस्तक को ढूंढ कर असली मुजरिम तक पहुंचते हैं। सोमेश और वीरा के घर में जो कांड हुआ था, किसी ना किसी ने वो दस्तक जरूर सुनी होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कहीं और एक जोरदार अपराध की दस्तक हो रही थी, जो इस खेल में हलचल पैदा करने वाली थी। गुड मॉर्निंग सर, आइए इस तरफ। अगर इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है तो चेक करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। सर ये अनिकेत की वाइफ है। जी सर। और आप? मैं इनका ब्रदर इन लॉ। यही आसपास रहते हैं? जी नहीं सर, जीजा जी नौरंग नगर रहते हैं और मैं शास्त्री नगर। दीदी का कॉल आया तो भागा चला आया। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? कल रात को, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने डिनर भी नहीं किया, किसी से फोन पर बात की और निकल गए। अरे सर हो जाएगा, मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ ना बाकी की। अनिकेत, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट से जरूरी काम है, मिलने जाना। अच्छा सुनो, कुछ बताया किससे बात हुई थी? नहीं सर। क्या हुआ भुवन? साहब साहब कहा हो गया साहब? साहब मैं अनिकेत साहब का पीए राज हूँ। क्या काम करते थे? बिल्डिंग बनाने का काम था साहब। बिजनेस में किसी के साथ कोई अनबन थी? नहीं सर, सब ठीक ठाक चल रहा था। सर ये फोन मिलाए जेब से। आप जाइए। सर इसमें से सारा डेटा इरेज किया गया है, ना कोई कॉल रिकॉर्ड्स, ना मैसेजेस और ना पिक्स। मतलब मोबाइल फॉर्मेट किया। आपके पति ज्योति माँ के भक्त हैं? हाँ सर, वो ज्योति माँ को बहुत मानते थे,
सर उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन सर वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। थैंक यू। धर्म, इस अनिकेत मिश्रा के सारे कॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। ज्योति मां और उसका आश्रम, कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है शहर। पहले सुमेश की बेटी टीना और अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर। सर, सर जैसे आपने कहा था, हमने मर्डर स्पॉट के पास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले, उसमें हमें ये मिला है जो उस रात मर्डर वाले स्पॉट के पास वाली जगह से जा रहा था। सर ज्योति माँ का पति फूलचंद, उसके सर की पगड़ी, और वो भी ऐसे ही नंगे चलता है। आप लोग में से कोई जानता है सर? नहीं सर। नहीं सर। कोई अंदाजा आपके पति इससे क्यों मिल रहे थे? पता नहीं सर, घर में तो सब कुछ ठीक था। मम्मी, पापा उस रात टीना को पता नहीं क्या किया, फिर थोड़ी देर बाद टीना को वापस कमरे में छोड़ दिया। बिजनेस में सब सही था? जी सर। तुम कंपनी के अकाउंट्स भी देखते हो? जी। हाल फिलहाल में कोई लेन देन? वो तो सब चलता ही रहता सर। वो क्या है ना कि शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने, और सारा लेन देन सर का एकदम ट्रांसपेरेंट था, चेक से लेन देन था सारा। ये ज्योति माँ का क्या चक्कर? वो तो उनका पर्सनल मामला है सर। वही तो पूछ रहा हूँ, इस पर्सनल मामले के बारे में तुम कितना जानते हो? नहीं सर, हाँ बस दो ट्रांजेक्शन मुझे बहुत अजीब लगे। 3 महीने पहले उन्होंने 5 लाख कैश निकलवाया, और फिर पिछले हफ्ते उन्होंने 1 लाख फिर कैश निकलवाया। सर घर के खर्चे के लिए मेरा खुद का अकाउंट है, हनीकेत मुझे कभी हाथ में कैश नहीं देते थे। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं? जी सर। कब से? 3 महीने हो गए सर ज्वाइन किए। इससे पहले क्या क्या करते थे? इसके पहले सर अनएम्प्लॉयड था, ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। 6 साल हो गए सर, अब जाके नौकरी लगी। खर्चा कैसे चलता है तुम्हारा? माँ बाप तो है नहीं, अनिकेत पैसे वगैरह देता था? देखो सच सच बता दो, बाद में अगर कुछ पता चला ना तो सीधा अंदर जाओगे। एक्चुअली सर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था तो रिटर्न में हो गया था सर, दलाल 5 लाख रुपए मांग रहा था, चीजों ने हेल्प करी थी सर। और पिछले हफ्ते जो 1 लाख रुपए दिए थे उसका क्या? 1 लाख रुपए? जी नहीं सर, जीजू ने मुझे वो पैसे नहीं दिए। भक्तजनों, दैवी शक्ति के आगे सब बेकार है। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, सोमेश और अनिकेत दोनों को मैंने चेतावनी दी थी, दोनों से मैंने अनुष्ठान कराने को कहा था, लेकिन दोनों ने ही मेरी बात नहीं मानी, और नतीजा आप सबके सामने है। ज्योति माँ की जय! ज्योति माँ की जय! ज्योति माँ की जय! ठीक है सर। हाँ धर्म, सोमेश की बेटी टीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मॉस स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई, मतलब घर से उसे उठाया गया और फिर मुंह में कपड़ा ठूसा गया ताकि वो चीखे चिल्लाए, और फिर गला घोटकर उसे मार डाला गया, और फिर लाश को पानी में फेंक दिया गया। सर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई ट्रेसेस नहीं मिले? उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, जहां लाश मिली वहां पे सीसीटीवी का कोई भी सोर्स नहीं है, और घर के आसपास भी नहीं। इस सुमेश शर्मा के बारे में कुछ पता चला? सर कारोबार इसका लगभग बंद ही होने वाला है, फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है, काफी कर्जे में है। हो ना हो, इस ज्योति माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है टीना शर्मा के मर्डर के पीछे, और अनिकेत मिश्रा के भी। ये किसी गुरु नेकचंद की शिष्य थी ना, 5 साल पहले दीक्षा लेकर यहाँ आई। सर हमारी टीम आश्रम में सबूत जुटा रही है। एक काम करो, इसके गुरु के दर्शन करके। राइट सर। दीक्षा? कैसी दीक्षा? फर्जी हैं दोनों, वो औरत अंगूठा छाप है, फूलचंद बनारस का गुंडा था, कोई कांड करके भागे हैं दोनों। कैसा कांड? अब ये तो पता नहीं, परंतु सीतापुर में जो चल रहा है वो सब नौटंकी है, चोला धारण कर रखा है दोनों, पता नहीं वो फूलचंद उसका पति है भी या नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सोमेश और उसकी बीवी वीरा के कॉल रिकॉर्ड आ गया सर। ये नंबर ज्योति माँ के आश्रम का है, और इस नंबर पर कई बार कांटेक्ट हुआ है, यानी ये आदमी कंटिन्यूअसली टच में था ज्योति माँ के,
और जब लड़की गायब हुई ये आश्रम के आसपास ही था। नम्रता, ये ज्योति माँ ने सोमेश को कुछ नुस्खा बताया था और ये भी धमकाया था अगर उस नुस्खे पे अमल नहीं किया गया तो किसी की मौत हो सकती है। आखिर ये नुस्खा था क्या? सर, मुझे आपको कुछ बोलना है। बोली। बेटी के साथ पूजा रूम में वो ज्योति माँ ने बोला था करने के लिए। क्या कहा? बलि चढ़ाने के लिए? सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आवाज नीची। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। सच सच बता। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरा मतलब है कि सर मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा सर? फिर क्यों लेकर गया था उसको आधी रात को पूजा रूम के अंदर? क्योंकि ज्योति माँ ने कहा था कि कन्या से जाप करवाना है। बड़ी बेटी क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कन्या की उम्र 7 साल से कम होनी चाहिए। तू ही अपनी बेटी को घर से बाहर लेकर गया था, उसे मारकर फिर पानी में फेंक दिया। बोल, सही बोल रहा हूँ? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। सर, इसकी रिमांड लेके? नहीं, जाने दो। लेकिन कड़ी नजर रखो इसमें, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। सर, आरिफ, जाने दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कमल, बोलो। ठीक है, मोबाइल पे भेज दो सर। कोमल का फोन था, भक्तों की लिस्ट मिल गई उसे। सर आश्रम के भक्तों की जो लिस्ट मिली थी उससे कुछ नहीं निकला। कोई भी ज्योति माँ के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, डरते हैं कहीं प्रकोप ना लग जाए। और इस अनिकेत मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उसका गला किसी तेज चीज से कटा गया, लेकिन उसकी मौत पॉइजनिंग से हुई, जहर खाके। हो सकता है उसे फोन करके किसी ने बुलाया हो, फिर पॉइजन किया और बाद में उसका गला किसी तेज चीज से काट दिया। या ये भी हो सकता है पहले उसे पॉइजन करके उसका गला काट के बाद में उसकी बॉडी गाड़ी में डंप किया। धर्म, अनिकेत मिश्रा की कॉल रिकॉर्ड निकल लो, वो आखिरी कॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम तक मिल जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में भी बस वो विकलांग आदमी दिख रहा है। सिर्फ इस सबूत के साथ हम फूलचंद को अरेस्ट नहीं कर सकते। सर, हाँ, अनिकेत मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड जाने, वो किसी गोमती देवी की फर्जी आईडी पर रजिस्टर्ड है। यानी पूरी प्लानिंग की गई है। इस ज्योति माँ के बहुत सारे भक्त हैं, उसके लिए किसी की भी आईडी लेकर अपना उल्लू सीधा करना कोई मुश्किल बात नहीं। सर, इसमें एक और नंबर, ये तृप्ति पाल। ये तृप्ति पाल और अनिकेत पिछले 8 महीने से एक दूसरे के साथ लगातार कॉन्टेक्ट में। कौन है ये तृप्ति पाल? सर, शांतिनगर में कोई वुमेन्स हॉस्टल, वहाँ रहती है। वहाँ फोन करने पे पता चला कि तृप्ति पिछले 3 दिन से हॉस्टल लौटी ही नहीं। ये उसकी फोटोग्राफ। कॉलेज स्टूडेंट, 8 अक्टूबर यानी मर्डर के 1 दिन पहले से हॉस्टल नहीं लौटी है। पता करो कौन है ये। राइट सर। ये तो दिया है सर। अरे, इसका नाम तृप्ति पाल है। पर धंधे की लाइन में इसे दिया बुलाते हैं। धंधा? ये कॉल कर है सर, बड़े लोगों में इसका आना जाना है। 3 दिन से गायब है, जरा पता कर। तृप्ति पाल या दिया, नाम सुना है आप? नहीं सर। बेटा, ये रहे तुम्हारे लिए चॉकलेट, अंदर जाके खेला। मैम कॉल गर्ल, आपके पति से 6-8 महीने से लगातार बातचीत हो रही है, आपको इसके बारे में नहीं पता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इतने सारे कॉल्स आते हैं, शायद वो 1 लाख रुपए भी आपके पति ने इसी को दिए थे। देखिए सर, मुझे जो पता था मैं बता चुकी हूँ। हनी के ज्योति माँ के पीछे काफी पैसा बर्बाद कर चुके थे। ज्योति माँ उपाय तो सब की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। सर, वो ज्योति माँ के प्रकोप से बहुत डरते थे, बीमारी, कारोबार में नुकसान, यहाँ तक कि मौत तक का भी बोला था उनको। इस श्रद्धा के पीछे कोई तो वजह होगी। हाँ, हनीकेत को बेटा चाहिए था, काफी पैसा लुटा चुके थे वो, कुछ दिनों से निराश भी रहने लगे थे और अब अचानक से उनके साथ। ये सब तो ज्योति माँ की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे कि सोमेश शर्मा के यहाँ हुआ, पहले धमकी मिली फिर मौत हुई, और यहाँ भी वही खेल। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या सर? अनिकेत ज्योति माँ के पास अपने बेटे की इच्छा लेकर जाता था, अनुष्ठान भी करवाया था,
और दूसरी तरफ कॉल गर्ल के पास भी जाता था। तो शायद कॉल गर्ल के पास भी बेटे की इच्छा लेकर गया। कॉल गर्ल के पास तो अय्याशी के लिए जाता था। धर्म, जब तक ये ज्योति माँ का पूरा खेल समझ में नहीं आ जाता ना, ये केस सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। धर्म, एक काम करो, नम्रता से कहो इनके फैमिली डॉक्टर से बातचीत कर। मीना को किसी और ने नहीं, तुमने मारा है, तुम्हारे उस ज्योति माँ ने, उसके जादू टोने ने मारा है। बकवास बंद करो, इसे तुम जादू टोना कह रही हो ना, वही बचाता टीना को, एक आखिरी अनुष्ठान था। आहुति देने जा रहे थे ना पूजा के कमरे में टीना की? अरे आहुति नहीं, अनुष्ठान था वो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है, मगर यकीन करो 2 महीने से फूटी कौड़ी नहीं दी फूलचंद को। तभी तो पैसे मिलने बंद हो गए तो उस ज्योति माँ ने मेरे बच्चे को मरवा दिया, उसकी भविष्यवाणी सही साबित करने के लिए। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सर, वीरा और उसके पति के बीच काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वीरा सुमेश का इस तरीके से पैसे उड़ाने से काफी नाखुश है, और यहाँ तक सुनने में आया है कि स्कूल फीस ना भरने के कारण उनकी बेटियों का नाम स्कूल से कट गया है। ओके, गुड जॉब। हाँ अनुकूल, चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई है सरकार। ओके। मैं किसी अनिकेत मिश्रा को नहीं जानती। पिछले 8 महीनों में 270 बार तुम लोग के फोन कॉल्स एक्सचेंज हो चुके हैं, बताओ। हाँ, दोस्त था मेरा, मिलते थे कभी कभी। तुम्हारे उस दोस्त का मर्डर हो चुका है, अब सच सच बताओ नम्रता। 10 दिन बिठा के खिला पिला के पूछेंगे, समझी? वो अनिकेत ने पैसे दिए थे मुझे। कितने? 1,00,000 रुपए। क्यों? वो वीडियो बनाने के लिए। वीडियो? कैसा वीडियो, किसका वीडियो? वो मुझे नहीं पता, बस मुझे कहा गया था पटाखे ले आओ। अब कहाँ है वो वीडियो? मोबाइल के साथ वो वीडियो भी ले गया अनिकेत। ये अनिकेत कहाँ मिला था तुम्हें? वो किसी ने मिलाया था मुझे। किसने? वो बाबा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उसके, नुकसान पहुंचा सकता है वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, उसका नाम बोलो। फूलचंद। वो ज्योति माँ का पति? हाँ, ज्योति माँ का आश्रम तो सिर्फ एक ढाल है, उसके पीछे वहाँ देह व्यापार होता है। उनके पास जो भी बिजनेसमैन आते हैं जो अपनी बीवियों से परेशान हैं, उनको कॉल गर्ल सप्लाई करता है फूलचंद। धर्म सर, एक रीडिंग टीम तैयार कर, इस आश्रम में और भी लड़कियां हो सकती हैं, और उस फूलचंद के खिलाफ वारंट निकल। इस आश्रम से 2-2 हत्याएं जुड़ी हैं। ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की। फूलचंद, चलो थाने चलो। क्या बोला था? नम्रता, अंदर ही तलाशी। बात क्या है बताइए ना। वारंट है हमारे पास सर। हाँ नम्रता, बेसमेंट में ये लड़कियां मिली। सबको साथ में लेके चलो, चलो। देखिए सर, धंधा था, बड़े बड़े व्यापारियों को सप्लाई जाती थी। इन्हें तनाव मुक्त कराइए। आइए आइए। ज्योति माँ की जय। नहीं सर, मर्डर नहीं किया हमने, आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। अनिकेत मिश्रा की मर्डर की रात को उसके घर के आसपास क्या कर रहा था मैं? मैं उसके घर कभी नहीं गया सर, वही मिलने आता था, फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई, फिर मैंने पूछा शौक है क्या, तो बोला चलेगा, मैंने तृप्ति को भेज दिया, बात जम गई, मगर मैं घर कभी नहीं गया सर। नहीं गया तो नहीं गया। अच्छा तो फिर ये कौन है? मैं ये नहीं, मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं, उस दिन तो जगराता था। आप चाहो तो चेक कर लो, लोकल केबल ऑपरेटर ने टेलीकास्ट भी किया था। ये सोमेश शर्मा का और तेरा क्या चक्कर है? वो कंगाल आदमी, मेरा मतलब सर उसका तो धंधा खत्म हो गया। 6 अनुष्ठान करके 6,00,000 रुपए लिए थे ना उससे, हाँ?
ये भक्तों को मौत की धमकी क्यों देते तुम लोग? अब लोग ऐसे मानते कहाँ हैं? ये रिमांड लो। सर आपको लगता है सच बोल रहा है? बहुत पुराना चावल है, इसकी बातों में विश्वास नहीं किया जा सकता। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। जिस तरह से तृप्ति ने फूलचंद के खिलाफ गवाही दी, उसी तरह से ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाह चाहिए नजर। बाकी भक्तों को तो प्रकोप का डर, लेकिन उषा और वीरा ने काफी नुकसान झेला। ज्योति माँ से नफरत भी है, लेकिन उन्होंने भी थाने में ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। सर, फूलचंद का स्टेटमेंट वेरीफाई किया है। उस रात वाकई में आश्रम में जगरा था। एक काम करो, पीसीआर को टीना की मौत की खबर किसने दी थी ये पता करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। अच्छा चलो चल। मैं और मेरी टीम दो नाव पे सवार थे, टीना और अनिकेत, और दोनों ही केसेस में दस्तकों का अंबार था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं सुना था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात हमारे सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता है अनिकेत के मर्डर के पीछे वो एमएमएस है। वो किसी का तो एमएमएस बना रहा था जिसे वो ब्लैकमेल करना चाहता था, और उसी वजह से उसकी हत्या हो गई। वो वीडियो उसके फोन में था जो मर्डरर ने उसे मारकर मिटा दिया। मिटाने वाले ने मोबाइल में से सारा डेटा इरेज कर दिया सर, ताकि सबूत ही ना बचे। सोचने वाली बात यह है कि वो किसका एमएमएस बना रहा था। और दूसरी तरफ सोमेश और वीरा के बीच में तनाव चल रहा था, और दोनों ही केसेस में ज्योति माँ कॉमन। धर्म, ये पजल सॉल्व होने की कगार पे है। सर, हेलो, क्या? सोमेश का? सुबह से ही गया हुआ है। आपका ये घर बिक रहा है? नहीं तो? सोमेश ने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात की, 10 लाख एडवांस भी लिए। कल नहीं आई, अब तक ज्योति माँ के चक्कर में सब कुछ लुटा चुके हैं। 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं उसके ऊपर। बोल रहे थे कि 3 अनुष्ठान और करने हैं। अगर ज्योति माँ को पैसे नहीं मिले तो ज्योति माँ का प्रकोप। क्या करूँ, क्या करूँ मैं? आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं, केस कर सकते हैं। को बताए हैं उन पर अमल कीजिएगा। अमल बाद में कीजिएगा, फिलहाल थाने चलिए। अब क्या बात हो गई? जालसाजी का इल्जाम है आप पर, भोले भाले भक्तों को लूटने का और बरगलाने का। सोमेश शर्मा की बीवी वीरा ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। चलिए थाने लेके चलो। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे लगा सकते हो? आप हमारे माता को ऐसा नहीं लगा सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। चलिए कैसा धोखा, कैसा फरेब? सब धर्म कर्म का मामला है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और हत्या का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब बेकार की बातें हैं। मारने की धमकी नहीं दी थी आपने? हमारे भक्तों के साथ जो कुछ भी दुर्घटना हुई है सब ईश्वर के प्रकोप से हुई है, और अनुष्ठान ना करवाने का नतीजा है ये सब। और आश्रम में जो लड़कियों का धंधा चलता है, तुम्हारा पति उनकी दलाली करता है ना? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। आश्रम तुम्हारे नाम से है ना? ज्योति माँ को इसकी भी कोई खबर नहीं है। हम करवा देते हैं। ये रहे तहसीलदार के दफ्तर के कुछ कागज, 1280 शांति नगर आपके नाम से। क्या चलता है वहाँ पर? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। इनकी रिमांड लो, सब खबर हो जाएगी, साथ में हत्या के भी क्लूज मिल जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो थानेदार साहब? आप ज्योति माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ईश्वर का प्रकोप होगा तुम सबके ऊपर। सर, उषा और अनिकेत को बेटे की चाहत, ज्योति माँ से पहले वो लोग डॉक्टर से भी मिले थे। ये उषा की रिपोर्ट। 3 अबॉर्शन? हाँ सर, 2 सालों में 3 बार अबॉर्शन। और सर ये अनिकेत की रिपोर्ट। अनिकेत मिश्रा, एक्सेसिव एक्स क्रोमोसोम, यानी लड़कियां पैदा हो सकती। इस रिपोर्ट से तो क्लियर हो जाता है कि लड़कियों के जांच के बाद ही अबॉर्शन करवाया गया था। ये किसके बच्चों के अबॉर्शन हो रहे? मेरे।
अनिकेत की 3 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट। एक्सेसिव एक्स क्रोमोसोम, यानी लड़के पैदा ही नहीं हो सकते। 3 अबॉर्शन हुए, क्या चल रहा था? देखो हम तहकीकात करेंगे ना तो बहुत कुछ खुल जाएगा। सर अनिकेत को शुरू से बेटा ही चाहिए था, हमारी एक बेटी है। हर बार जांच के बाद लड़कियां ही आ रही थी, इसलिए हम बार बार अबॉर्शन करवा रहे थे। फिर इस बार बात नहीं बनी। अनिकेत का दिमाग खराब हो गया था। एक दिन मेरा भाई भुवन घर आया और अनिकेत ने उसे बोला, देख भुवन मुझे बेटा चाहिए कैसे भी। हाँ तो IVF से करवा लीजिए ना। ढिंडोरा नहीं पिटवाना मुझे समाज में। IVF से करवा लीजिए, वैसे एक तरीका है। तरीका? अगर तुम और उषा साथ दो तो तुम दोनों मिलके मुझे बेटा दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी घटिया और नीच बात तुमने सोची कैसे? उस बात को लेकर भुवन ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। फिर भुवन को नौकरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने अनिकेत से बात की। सुनिए भुवन, भुवन को 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख रुपए पता भी है तुम्हें कितना होता है? उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी दलाल को देने, प्लीज मदद कर दीजिए। मदद तो मैं कर दूंगा तुम्हारे भाई की, लेकिन बदले में तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी, मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा करना होगा। सरकारी नौकरी के लिए भुवन का ये आखिरी साल था। गवर्नमेंट जॉब के लिए भुवन मरे जा रहा था, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था। इस साल भी भुवन की जॉब नहीं लगती तो वो सुसाइड कर लेता, और अनिकेत भी मुझे छोड़ने की बात कर रहा था, और इसीलिए। इतना सब होने के बाद भी जांच में हर बार लड़कियां ही आ रही थी, इसलिए बार बार अबॉर्शन करवा रहे थे। और अब भुवन की भी नौकरी लग चुकी थी और उसने अनिकेत को ये घिनौना काम करने के लिए मना कर दिया था। जीजा जी, ये घिनौना पाप और नहीं होगा हमसे, आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा, नौकरी लगने से पहले तो बड़ा पुण्य था ये, नौकरी लगने के बाद पाप हो गया। बता दूं तेरे डिपार्टमेंट में जाकर कि कैसे घूस देकर तेरी नौकरी लगवाई थी? बता दीजिए, आप भी फंसेंगे। बेटा ये नौकरी और इज्जत जब तक ना मिले ना तब तक पता नहीं चलता है। तकलीफ तब होती है जब नौकरी और इज्जत हाथ से जाती हुई दिखाई देती है, समझा मेरी बात? अब अनिकेत का भुवन पर जोर नहीं चल पा रहा था, इसलिए अनिकेत ने एक और प्लान बनाया। उसने फूलचंद को बोलकर एक कॉल गर्ल को 1 लाख रुपए दिए और उस कॉल गर्ल का और भुवन का वीडियो बनाया। देख लो वीडियो ये, और अब मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना समझे। जो चल रहा है वो चलने दो तब तक जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता, वरना ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। उसने हमारा भी वीडियो बना रखा था सर। भुवन एकदम टूट चुका था और अनिकेत का जुनून सर चढ़ चुका था, वो बेटे की चाह में वैसी दरिंदा बन चुका था। लेकिन हम लोगों ने भी सोच लिया था अब हम ये घिनौना काम और आगे नहीं होने देंगे, इसलिए हमने एक दिन उसकी शराब में जहर मिला दी। प्लान के मुताबिक हमें फूलचंद को ही फंसाना था, क्योंकि ये सारे घिनौने आइडिये फूलचंद ही अनिकेत के दिमाग में डाल रहा था। इसलिए एक खाली शराब की बोतल और 2 गिलास भी हमने ही गाड़ी में रखे। इसीलिए भुवन जानबूझकर लंगड़ाते हुए CCTV कैमरे पर दिखाई दिए ताकि सारा शक फूलचंद पर जाए। बहुत ही भयानक और घिनौनी दास्तां थी। उस डॉक्टर पे भी केस किया गया जिसने प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन का इलीगल काम किया था। एक केस सॉल्व हो चुका था लेकिन अब भी दूसरा केस बाकी था। जब आपको कोई काम करना होता है तो आपके सर पे एक जुनून सा सवार हो जाता है। मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, और फिर एक दस्तक पकड़ में आई। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 8 अक्टूबर को वीरा को एक फोन आया था टीना की मौत के बारे में। हेलो, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 8 अक्टूबर को 7 से 10 के बीच में वीरा को कोई फोन ही नहीं आया। फिर वीरा को कैसे पता चला कि टीना की बॉडी तालाब में थी? मैं कमिंग सर। हाँ सर, टीना की लाश की खबर जिस नंबर से PCR पे आई थी वो नंबर वीरा शर्मा का है।
सर अभी भी वीरा अपनी बड़ी बेटी बिन्नी के साथ टीना के मर्डर वाले स्पॉट की तरफ जा रही है। मम्मा बताओ ना किधर जा रहे हैं। हाँ बताते हैं। मम्मी बताओ ना किधर जा रहे हैं। तुझे टीना से मिलाने लेके जा रहे हैं। मम्मी क्या बोल रहे हो? छोड़ो मुझे। बेटा ठीक तो हाँ। दिमाग खराब हो गया था इसका। मेरा ज्योति माँ ने बोला है कि अगर ये अनुष्ठान नहीं करवाया ना तो घर पे मौत मंडराएगी। हमारी बच्चियों में से किसी की वो कुछ भी कहेंगे और तुम मान लोगे। खबरदार आज के बाद बिन्नी या टीना को उसके पास लेके गए तो सब कुछ लुटा रहा था शोमिस ज्योति माँ के लिए। फीस ना दे पाने की वजह से बच्चे को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये आदमी हमारे सर से छत छीनना चाहता था। अपने पति की आंखें खोलने के लिए मैंने टीना को फिर भी वो नहीं सुधरे। इसलिए सोचा बिन्नी को मार के मैं अपने जीवन का भी अंत कर लूंगी। सुमेश की सोच का तो अंत नहीं हो सका लेकिन तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष की जान जरूर चली। किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठी। अब प्राश्चित जेल में कर लो। वीरा का मानसिक संतुलन खो रहा था और वहीं अनिकेत उस पर बेटे की धुन सवार थी और इसी के चलते उषा का सब्र का बांध टूट गया और फिर वो हादसा हुआ जिसे बोलते हुए शर्म आती है मुझे। उम्मीद है ये केस देखकर आपको कुछ सबक हासिल हुआ होगा। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं बचाना है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।